हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है एटीट्यूड, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले एटीट्यूड, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक दैट हैव एन इवेलुएटरी फीचर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इन फैक्ट एटीट्यूड इज टेंडेंसी टू बिहेव और टू एक्ट। आप इसको समझेंगे, एक माइंड की एक स्थिति है एटीट्यूड, उसमें एक विचारों का कुछ टॉपिक से संबंधित एक सेट होता है, जिसमें वो सेट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो एटीट्यूड एक बिहेवियर नहीं है, एक टेंडेंसी टू बिहेव और फॉर और एक्ट, ये एटीट्यूड होता है। आप जैसे कार्ल जंग जो बहुत फेमस रहे हैं, उन्होंने बताया है कि एटीट्यूड क्या है, रेडीनेस ऑफ द साइक टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टन वे। यानी किस तरह से हमारी जो साइक है या मन स्थिति हमारी है, किस प्रकार किसी स्थिति में कैसे एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, वो जंग ने उसे एटीट्यूड बताया है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं एटीट्यूड के जो उसको बनने में उसका पर प्रभाव डालते हैं। दिस मीन्स द फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड आर, सबसे पहला है फैमिली, सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर, वैल्यूज एंड बिलीफ। ये कुछ कारक हैं जो व्यक्ति के दृष्टिकोण को, यानी एटीट्यूड को, अभिवृत्ति को किस तरह से प्रभावित करते हैं। परिवार है, समाज है आपका, आपका सोशियोकोनॉमिक स्टेटस है, संस्कृति, आपके मूल्य और आपकी बिलीफ, ये सारे मिलकर व्यक्ति के एक एटीट्यूड जो निर्माण होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम देखेंगे कि एटीट्यूड है, उसके मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट्स होते हैं, किस चीज़ से वो बना है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। रोजनबर्ग एंड होवलैंड 1960 में उन्होंने बताया कि एटीट्यूड के मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे हम ABC कंपोनेंट्स कहते हैं। ए का मतलब होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि इमोशनल, यानी भावात्मक। बी का मतलब है बिहेवियरल कंपोनेंट, यानी टेंडेंसी टू एक्ट। और सी का मतलब होता है कोग्निटिव, यानी थॉट्स, विचारों से संबंधित। इससे संबंधित हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए आपको कोई ये कहता है कि आप ये आजकल बारिश का मौसम है, या जब भी कोई है तो ग्रीनरी, इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ ना कुछ काम कीजिए, या ये पौधा मैं आपको दे रहा हूँ, आप पौधा लगाइए। तो देखिए, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन चूंकि आप इन्वायरमेंट से, आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डे बाई डे गर्म होता जा रहा है, उससे बचने के लिए आपको पता है कि पौधे लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह आप पौधों से, इन्वायरमेंट से एक भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो वो जो आपका एटीट्यूड है इन्वायरमेंट के प्रति, वो अफेक्टिव कंपोनेंट होगा। फिर आप उस पौधों को ले जाकर एक गड्ढा खोदते हैं और उस पौधा उसमें लगा देते हैं, वो आपका बिहेवियरल कंपोनेंट है, क्योंकि आपने एक्ट किया। और फिर आप विचार करते हैं कि बहुत ज़रूरी है पौधे लगाना, सभी को पौधे लगाना चाहिए, सो दैट वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज को हम रिटार्ड कर सकते हैं। वो आपका कोग्निटिव कंपोनेंट है, यानी आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी अभिवृत्ति है, यानी वो तीन कंपोनेंट से बना है, जिसको हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एटीट्यूड का। ABC कंपोनेंट्स, यानी अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये आपके कंपोनेंट्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एटीट्यूड, यानी कि जो अभिवृत्ति है उसकी कुछ विशेषताएँ क्या होती हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे, एटीट्यूड इज ए टेंडेंसी टू बिहेव, यानी कि जो अभिवृत्ति है वो आपके व्यवहार करने की एक टेंडेंसी है। एटीट्यूड बिहेवियर नहीं होता है, बल्कि बिहेव करने की एक टेंडेंसी होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता पर हम जाएंगे, एटीट्यूड आर नॉट जस्ट व्यूज और ओपिनियंस, कोई विचार और आपके कोई विचारधारा नहीं होती है, बट दे हैव थ्री कंपोनेंट्स, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स। तीसरा है, एटीट्यूड्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, यानी कि जो अभिवृत्ति है वो तीनों तरह की हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक और न्यूट्रल। चौथा आप देखेंगे, एटीट्यूड इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन। आप देखेंगे मनोविज्ञान में कॉग्निशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार आता है। कॉग्निशन का मतलब है
सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ आवर माइंड, ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, जब हम सोचते हैं, जब हमारा ध्यान लगाते हैं, अटेंशन हमारी है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, परसेप्शन है, जितने भी सारी चीज़ें हैं ये सारे मिलकर कॉग्निशन बनाते हैं, और इसी कड़ी में एटीट्यूड भी कॉग्निशन का एक हिस्सा है। अब आप देखें, एटीट्यूड को मॉडिफाई किया जा सकता है, इट कैन बी मॉडिफाइड। सिक्स पार्ट है, एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ माइंड, आपके मन की एक स्थिति है एटीट्यूड। सेवंथ, एटीट्यूड रिजल्ट्स फ्रॉम अपब्रिंगिंग एंड एक्सपीरियंस, दैट इट इज एक्वायर्ड। एटीट्यूड जेनेटिक नहीं होता है कि आपको अपने माता पिता से मिला, बल्कि ये एक अपब्रिंगिंग, किस तरह से आप इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं और कैसा आपका अनुभव रहा है, उसके आधार पर आपका एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड इज मैनिफेस्टेड बाय बिहेवियर, आप एटीट्यूड हम कैसे देखेंगे, किसी व्यक्ति का कैसे मापेंगे, इसमें कैसा एटीट्यूड है या किस प्रकार का है, तो उसका व्यवहार हमें बताता है कि व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इमोशंस, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स, जो एटीट्यूड है एक सेट है आपकी भावनाओं का, आपकी विचारधाराओं का, किस तरह से आप कोई बिलीफ रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, उनका एक सेट होता है और उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, एटीट्यूड करेक्टराइज अ पर्सन, एक व्यक्ति कैसा होगा, उसकी विशेषताएं कैसी होंगी, ये चीज़ें एटीट्यूड निर्धारित करता है। नेक्स्ट, इट इज़ अफेक्टेड बाय पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का पिछला जीवन कैसा रहा है और अभी वो कैसा है, उन दोनों को मिलाकर एटीट्यूड बनता है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रभावित होता है इन चीज़ों से। और नेक्स्ट है, इट इज़ स्टेट टूवर्ड्स पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, थिंग और प्लेस, यानी कि व्यक्ति कोई जगह, कोई वस्तु, कोई स्थिति, कोई और भी वस्तु या कोई जगह, इनसे की प्रति व्यक्ति की एक मानसिक स्थिति होती है एटीट्यूड। तो अब आपने जाना कि एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड एक व्यू है, एक माइंडसेट है, जो कि जिसके किसी के भी प्रति, व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, जिसके इवैल्यूएटिव फीचर्स होते हैं, जिसके जिनके फीचर्स को हम उनको इवैल्यूएट कर सकें, ये एक एटीट्यूड है। और इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जिस प्रकार रोजनबर्ग होलैंड ने बताया कि एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ABC कंपोनेंट, अफेक्टिव बिहेवियरल कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट। और कुछ एटीट्यूड के करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देखें, जैसे कि ये मॉडिफाई किया जा सकता है। एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एटीट्यूड एक सेट ऑफ इमोशंस होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो सकता है। इस प्रकार से ये एटीट्यूड और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये छोटी सी वीडियो, आपको ये कैसी लगी और इसको आप इसको समझें और मुझे बताएं कि इसमें एटीट्यूड आपको कितना समझ में आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, वी विल डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।